कोई नहीं आ रहा। देखो एक बार फिर तुम बात करो, देखो बेटा उससे। हाय हेलो। हाँ कामिनी, कामिनी प्रशांत कदम लिख रही है। हाय मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अमृता भी लिख रही है। हाय। हाय नम्रता जी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मेरा आने में। 4:30 का टाइम था एक्चुअली, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ इश्यू की वजह से। राजू पाटिल लिख रहे हैं। हाय। हेलो, मैं अल्पना हाय। रंजन बड़ौदा से, और मैं अमूल के पेज पर फिर से लाइव आई हूँ। मैं ये मेरे चौथे बार लाइव है, और अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं और फिर कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है फिर। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अभिषेक जी का, और थैंक यू करना चाहती हूँ ईशान जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया है, फिर से चांस दिया है। और आज मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ आपको लोग आप लोग के लिए, वो है फ्रूट टार्ट। तो मैं स्टार्ट करूँ बनाना फ्रूट टार्ट, ठीक है? कितने लोग आए हैं? बहुत सारे। चलिए स्टार्ट करिए। तो फ्रूट टार्ट के लिए सबसे पहले मैदा लेना है। तो 300 ग्राम, एक्चुअली मैं ना पहले से ये रेडी करके रखी हूँ। मैं देख आटा, ये मैंने पहले से रेडी करके रखा है, लेकिन कैसे किया मैंने वो मैं बता रही हूँ, ठीक है? पूजा वर्मा हेलो दी दिख रही है। हेलो पूजा। तो 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 185 ग्राम बटर लिया है, अमूल का सॉल्टेड बटर चाहिए, ठीक है? और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और 50 ग्राम चाहिए पाउडर शुगर, देन मतलब उसमें 2 टेबल स्पून या 1.5 1.5 टेबल स्पून ऐसे पानी जाएगा, ठीक है? ज्यादा पानी उसमें नहीं जाएगा। तो वैसे हमने मिक्स कर लिए हैं और ये आटा बना लिए हैं। आटा ये मैदे को बनाने के बाद फिर क्या किए हैं, इसको ऐसे क्लीन रैप में लपेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे। हाँ तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिए, और फ्रिज में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका जो बटर है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर से इसको निकाले हैं, और निकालने के बाद जब पहले इसको टार्ट बनाएंगे, और टार्ट बनाने के लिए पहले सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है, ठीक है? तो पहले ओवन को हमने प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया। प्री हीट करने के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है? जब तक वो प्री हीट होता है तब तक ये टार्ट का मोल्ड होता है, ऐसा 2 पीस में आता है, ऐसा टार्ट का मोल्ड होता है, ठीक है? तो इसमें भी बना सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे, मैं पहले से बना करके रखी हूँ एक्चुअली, ऐसे छोटे छोटे मोल्ड आते हैं उसमें भी आप बना सकते हो, ठीक है? मैं दोनों में आपको बना करके दिखलाऊंगी कैसे बनता है, ठीक है? तो ये आटा जो बनाए पहले, उसको पहले बेलना है, तो इसको क्लीन रैप पर ही बेलने का है। पहले छोटे वाले ऐसे बनाती हूँ,
और दूसरा ऐसे क्लीन रैप ऊपर से रखने का है। गार्बेज मेहता हेलो हेलो। और इसको ऐसे बेलन से बेलना है। समझ में आ रही है आप लोगों को सर? कहीं डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए फिर से। ऐसे छोटे छोटे जब बनाना है तो ऐसे छोटे छोटे बेलने का है। और बेलने के बाद इसको ऐसे मोटे, मतलब पराठा ऐसे मोटा रहना चाहिए, ठीक है? अगर बीच में टूटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे रख करके ऐसे कर देना है, ठीक है? ऐसे करना। ऐसे मैं और बना करके दिखलाती हूँ आपको। टूट गया, कोई बात नहीं। अभी इसी तरह से और भी टार्ट बनाने का है। इसी तरह से मैं और टार्ट बना करके, छोटे छोटे टार्ट मैं बना करके दिखलाती हूँ आपको। और ये पराठा ऐसा थोड़ा सा मोटा मोटा ही बेलने का होता है, ठीक है? इसका मोटाई देखिए। दो एक बार फिर से बताइए। हाँ, ये 300 ग्राम मैदा है, ठीक है? उसमें 185 ग्राम बटर है, अमूल सॉल्टेड बटर लिया मैंने, ठीक है? और उसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया मैंने, और 50 ग्राम लिया मैंने पाउडर शुगर, देन 2 टेबलस्पून पानी इसमें गया है। अभी इसको ऐसे पूरे टार्ट ऐसे ऐसे मोल्ड में डाल देने का है। थैंक यू। अभी मैं बड़ा वाला एक दिखलाती हूँ बना करके। ये ऐसे चकला पर नहीं करने का है इसको, या तो फिर सिलिकॉन वाला सीट आता है तो सबके पास सिलिकॉन सीट अवेलेबल नहीं होगा, ये तो होगा कम से कम सबके पास में, या प्लास्टिक होगा सबके पास में, तो आप उस पर करिए। इसलिए मैंने सिलिकॉन सीट नहीं निकाला। लता कपूर हेलो बोल रही है। हेलो लता जी, कैसे हैं? जय श्री मेहता। हाय, वाओ, हाय हाय जयश्री जी। बहुत इजी रेसिपी है, बस घर में आसानी से बन जाएगा। और टूटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर बनाते बनाते क्रैक होता है। लता कपूर लिख रही है, ऑसम अर्चना। थैंक यू लता जी। इसमें ऐसे
थोड़ा थोड़ा देखिए अभी रह गया है, तो मैं दूसरा इसमें आटा लेकर के ऐसे लगा सकती हूँ। जब ये जाएगा ना ओटीजी में तो बराबर हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से कुछ लगा हुआ है ऐसा। जहां जहां कम लग रहा है वहां ऐसे लगा देने का। संगीता सिन्हा नाइस लिखी, थैंक यू संगीता जी। हेलो लिख रही है, हेलो शोभना जी। ये इसमें ऐसे हो गया है। अभी क्या है कि इसको जब ओटीजी में जाएगा तो ये फूलने का चांस है इसको, तो इसलिए इसको नहीं फूलने देना है अपन लोग को। तो इसके लिए फोक से ऐसे कर देते हैं। उसको जब भी आप मैदे को ऐसे करके बटर डाल करके और जब भी उसको बांधिएगा आटा को, तो उसके बाद बांधने के बाद फ्रिज में एक क्लीन रैप में लगा करके बाइंड करके अच्छे से, और फ्रिज में रखना, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। और फ्रिज में आधे घंटा मिनिमम रखना है। हेलो सुनीता, ये फ्रूट टार्ट आज बन रहा है। तो ऐसे करके ये होल कर देने से क्या होता है कि फूलता नहीं है। अब क्या बना रहे हो? ये फ्रूट टार्ट बन रहा है यहाँ पे। आज मेरे किचन में फ्रूट टार्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये फूलेगा नहीं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर देना है। तब तक ओटीजी प्रीहीट के लिए छोड़े हैं, 10 मिनट प्रीहीट होगा, 180 डिग्री पर प्रीहीट करना है, ठीक है। ये प्रीहीट हो गया तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी। और इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फूल जाएगा या कुछ, तो आप इसमें मटर डाल सकते हैं, सूखा मटर है ना, वो डाल दीजिए, कुछ खराब नहीं होगा। मटर या चना ये 15 मिनट के लिए ओवन में जाएगा। ये 15 मिनट के लिए ये प्री हीट हो गया है, अभी 15 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तब तक आगे का तैयारी करती हूँ मैं। मामी जी हाय लिखे, हेलो। कौन मामी जी है? बड़ी मामी जी। हेलो अनु, सो करके उठ गई। अब इसमें फ्रूट का ये बनाना है, क्रीम बनाना है, ठीक है। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने 1/2 कप ये फ्रेश क्रीम लिया है, नहीं व्हिप क्रीम, सॉरी। क्या हाँ गैस पर होगा ना, आपने कढ़ाई को कढ़ाई में बनाई है, कुकर में बनाई है, पहले प्रीहीट कर लीजिए उसको अच्छे से। जब प्रीहीट हो जाएगा, जैसे केक बेक करते हैं वैसे करना है, इसमें केक से कम टाइम लगेगा बेक होने में, ठीक है। और उसमें बालू या कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल सा कोई प्लेट रख लीजिए एक नीचे, पहले वो एक मिनट में दिखलाती हूँ आपको। ऐसा स्टैंड आता है ना, ये स्टैंड कुकर में या कढ़ाई में कहीं भी रख लीजिए, उसके ऊपर थाली रख दीजिए और उसके ऊपर
वो जो टाट बनाए हैं वो ऐसे रख करके और ढक करके सीटी नहीं लगाना है, ठीक है, मिश्रण नहीं लगाना है, और उसको ढक करके उसको बेक करिए जब तक कि वो पक नहीं जाए, ऐसे लाल नहीं हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करने का है। व्हिप्ड क्रीम हम लोगों ने हाफ कप लिया, ठीक है। अभी इसमें इसको व्हिप करना है। ये व्हिप्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें हाफ कप व्हिप्ड क्रीम लिया मैंने, तो हाफ कप फ्रेश क्रीम या अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, ये ऑलराउंडर है। ये फ्रेश क्रीम ऑलराउंडर सब्जी में भी जाता है, कहीं भी यूज कर लीजिए। सॉरी, मैं हाफ कप आप लोगों को नाप करके ही दिखलाती हूँ, मैं अंदाज़ से डाल देते, ठीक है। थोड़ा मैंने पहले डाल दिया। तो हाफ कप ये डाला है, उसके बाद थोड़ा सा और ठीक है। अभी ये हो गया है मिक्स अच्छे से। ये व्हिप्ड क्रीम में ऑलरेडी शुगर होता है, वेनिला एसेंस होता है, इसलिए डालने का जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब इसमें ये कटा हुआ केला, ठीक है, ये डालने का है। ये ग्रेप्स थोड़ा कटा हुआ है। आपके पास जो फ्रूट है, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, आप वो डाल सकते हैं। एप्पल है तो कटा हुआ एप्पल भी थोड़ा डाल देती हूँ, ठीक है। ये ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा सा काजू और ये किशमिश वो डाल देती हूँ। उसके बाद इसको मिक्स कर देना है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको जो इच्छा है इसमें, जो फ्रूट्स मन है वो फ्रूट्स डालिए। आपके घर में जो भी अवेलेबल है, मेरे घर में ये सब अवेलेबल था अभी, तो मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। अभी ये टार्ट है, ये जो एक मैंने डाला ना उसमें बड़ा वाला, वही है टू पीस वाला। इसको कैसे निकालना है, ऐसे करके बस कोई भी ग्लास पर ऐसे रख दें,
बस सिंपल सा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद ऐसे स्पून से इसको इसमें डाल देना है। ये छोटे छोटे जो टार्ट मोल्ड बनाए हैं उसमें भी डाल देती हूँ। ये अमूल का व्हिप्ड क्रीम है उसके? हाँ, नहीं नहीं, अमूल का व्हिप्ड क्रीम नहीं है। अमूल का भी व्हिप्ड क्रीम आता है, लेकिन मेरे पास व्हिप्ड क्रीम अमूल का नहीं था। कविता वेरी नाइस लिख रही है, थैंक यू। बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है ये फ्रूट टार्ट। स्टार्ट में आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप डाल करके वेरिएशन करिए। ठीक है, लुकिंग वेरी टेस्टी एंड यम्मी प्रीति सोमपुरा बोल रही है। थैंक यू, आप लोग भी घर में बनाइए। और ये तरह बन रहा है, ये टार्ट बन रहा है तब तक। ये देखिए, ये फ्रूट टार्ट रेडी हो गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और एंजॉय करिए आप लोग। समझ में आ गई? कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं बता देती हूँ फिर से। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कोई। ठीक है, समझ में आ गई? तो फिर ये मेरा फ्रूट टार्ट रेडी है, आप लोग भी घर में बनाइए, खाइए फ्रूट टार्ट। ठीक है, फोटो ले लो। बाय, थैंक यू।